संगम नगरी प्रयागराज के विनायक सिटी सेंटर और स्टार वोर्ड सिनेमा हॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में विनायक सिटी सेंटर और स्टार वोर्ड सिनेमा हॉल को पूरी तरीके से खाली कराया गया। दोनों को पूरी तरह से खाली कराने के बाद बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमों ने पूरे सिनेमा हॉल परिसर के चप्पे चप्पे पर छानबीन और चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन कहीं पर भी किसी तरीके से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। घंटों चले सर्च ऑपरेशन, कहीं पर भी कुछ नहीं मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे ने राहत की सांस ली। एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे पीबीआर माल में बम है और धमाका होने वाला है, उसको गंभीरता से लेते हुए चारों तरफ से कॉर्डन करा करके खाली कराया गया और बीडीएस स्क्वाड को और एंटी सेबेटॉज टीम को बुला करके चेक कराया गया सारे फ्लोर्स को, और इसी तरह से मुट्ठीगंज के कटघर के स्टार रूट को भी चेक कराया गया। वहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे कहीं पे कोई बम नहीं मिला, एक सिर्फ अफवाह थी और गलत सूचना थी। जिसने भी ये सूचना दी है जाँच करा के उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये फर्जी सूचना प्रशासन को सोशल मीडिया के जरिए मिली थी। धमकी भरे मैसेज में सिविल लाइन्स के पीबीआर मॉल स्थित विनायक सिटी सेंटर सिनेमा हॉल और स्टार वुड सिनेमा हॉल मुट्ठीगंज को उड़ाने की बात कही गई थी। मैसेज में मैडम चीफ मिनिस्टर बायोपिक का जिक्र किया गया था। माना जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने यह धमकी भरा मैसेज भेजा था। बम से उड़ाने की सूचना के बाद घंटों सिविल लाइन्स इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रशासनिक अमले ने सिविल लाइन्स के विनायक सिटी सेंटर सिनेमा हॉल और स्टार वुड सिनेमा हॉल मुट्ठीगंज के एक एक कोने को पूरी तरीके से खंगाला।